चर्चा के साथ समाज को जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है, जिसमें हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बेसहारा, वंचित, जो बहुत पिछड़े हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को बागेश्वर मंडल चुनकर, उनके जो फार्म आते, आवेदन आते, उनको चुन करके जो वास्तविक पात्र हैं, ऐसी बेटियों का पाणि ग्रहण संस्कार उपहार व्यवस्था सहित, समुचित व्यवस्था सहित पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से संपन्न करवाया जाता है। इस वर्ष भी यह चौथा वर्ष है, चतुर्थ वर्ष भी बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की इस भूमि पर आज तारीख 12 है, आज से ही आयोजन प्रारंभ हो गया कलश यात्रा के साथ। आज से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम पर सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से सभी बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ और इस दास की तुच्छ सी गिलहरी की भूमिका के साथ यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। यह समूचे कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में भारत के कोने कोने के ऋषि मुनि महात्मा, जिनके तपोबल, जिनकी साधना और जिनकी वाणी की क्रांति से वर्तमान और पूर्व के समय से आदिकाल तक सनातन धर्म रक्षार्थ है और रक्षित सुरक्षित रहेगा, ऐसे अनेक संतों का पावन आगमन भी बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें प्रमुख रूप से गौ क्रांति लाने वाले परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित मलूक पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा पर चर्चा करेंगे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस 7 दिवस के अंतर्गत हैं, जिसमें प्रतिदिन कथा का प्रवचन, कल से ही कथा प्रारंभ होगी। कल हमारे बागेश्वर धाम पर भागवत के मर्मज्ञ, बहुत ही सहज वक्ता भारत के परम पूज्य श्याम सुंदर पाराशरजी महाराज यहां पर कथा करने के लिए एक दिवस के लिए पधारेंगे। परसों 14 फरवरी को हमारे अनुज वाणी के एकदम अद्भुत वक्ता और संगीत मानो उनके कंठ पर विराजमान हो, पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी 14 फरवरी को एक दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए पधारेंगे। साथ में कल ही भजन सम्राट कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी भी संध्या के समय अपनी वाणी से श्री हनुमान जी को रिझाने का कार्य करेंगे। मध्य में संपूर्ण कार्यक्रम का विवरण हम क्रमानुसार आप सबको दे देते हैं, जिसमें 13 फरवरी से 19 फरवरी तक के आयोजन में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत रासलीला, पंडित श्री राम शर्मा जी की वृंदावन की रासलीला का चित्रण भी, भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन भी 7 दिन तक बागेश्वर धाम पर फरवरी के चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव में होगा। समूचे कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के संतों के साथ 14 फरवरी को मंगलवार का दिन पड़ रहा है और मंगलवार को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है और निश्चित रूप से यह अनोखा दिवस होगा 14 फरवरी का। दिव्य दरबार भी सजेगा, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी बरसेगी और साथ ही साथ कथा का श्रवण भी होगा और समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। दिनांक 15 फरवरी में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार बिना टोकन नंबर का प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी और 16 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर लगेगा। लेकिन 15 फरवरी एक विशेष होगी बागेश्वर धाम के लिए। जिस दिन दरबार प्रारंभ होगा तो दरबार
कृपा और दुआ की स्थान पर रहेगा। लेकिन हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा आर्यवैदिक परंपरा को समूचे भारत के कोने के साथ साथ विश्व में पहुंचाने वाले, योग से जोड़ने वाले हमारे बड़े भैया, बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मा पंडित श्री पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज 15 तारीख को दुआ और दबा दोनों का संयोग आप बागेश्वर धाम पर देखेंगे। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो तारीख आएगी 16 फरवरी को बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगेगा। और दरबार के साथ साथ जब कृपा से लोग अभिभूत हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब उनको फिर झूमने का मन करेगा, तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी द्वारा भजन संध्या करके उन सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए आप निमग्न देखेंगे। और जब निमग्न हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति भगवान की दरबार की कृपा पाकर नाच करके निमग्न होगा तो उसकी वाणी से निश्चित है वेदांग झलकेगा, बहेगा। तो फिर रात्रि की 16 तारीख जब पड़ेगी और 16 तारीख को रात्रि में प्राचीन वेदांग थोड़ा हास्यपुट भी, थोड़ा करुण भी, थोड़ा वीर रस भी, तो कवि सम्मेलन के माध्यम से इन सभी रसों का दर्शन भी यहां पर हम आप सब 16 फरवरी को करेंगे। तारीख बदल जाएगी, रात बहुत हो जाएगी और फरवरी की तारीख लग जाएगी 17। 17 फरवरी को परम पूज्य अद्भुत महापुरुष अयोध्या के जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज यहां पर अपने दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद देने के साथ साथ परम पूज्य राघवाचार्य जी के उद्बोधन भी होगा और हनुमंत कथा का एवं रासलीला का दर्शन भी होगा। 16 तारीख में एक बात जोड़ना चूक गए थे, उसको हम पुनः वापस करके कहते हैं। 16 फरवरी को बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम बालाजी की ही तरह बहुत से लोग मानते हैं, एक है तीर्थ पंडोखर धाम, वहां के पीठाधीश्वर जो कि हमारे बड़े भाई हैं पंडित श्री गुरु शरण शर्मा जी पंडोखर महाराज सरकार भी बागेश्वर धाम पर आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारेंगे। तारीख 17 फरवरी के महोत्सव के बाद बढ़ती हुई पहुंच जाएगी उस तारीख जिसका इंतजार 121 बेटियों का परिवार और 121 बारात कर रही होगी। वो तारीख होगी 18 फरवरी और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। अब वो पूरा दिन अद्भुत होगा, उसमें महापुरुष भी होंगे, संत भी होंगे, पूज्य श्री गोरी लाल कुंज वाले महाराज जी भी विराजमान होंगे, जगत गुरु पूज्य बल्लभाचार्य जी महाराज जी भी विराजमान होंगे, पूज्यपाद श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी विराजमान होंगे उस आयोजन में, और भी अनेक महापुरुष जिनका हम नाम नहीं ले पाए वह भी पधारेंगे आशीर्वाद देने, पूज्य श्री दंदरुआ वाले महाराज जी, पूज्य श्री बालक योगेश्वर दास महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी पधारेंगे, क्षेत्रीय महापुरुष भी सब पधारेंगे और उन बेटियों को आशीर्वाद देंगे, मंगल कामना करेंगे। और 18 फरवरी का दिन बड़ा अद्भुत तरीके से व्यतीत होगा, लेकिन शाम विदाई का होगा और रात्रि काल में, लेकिन उस विदाई को थोड़ा सा उस माहौल को बदलने के लिए, मनोभाव की दशा को थोड़ा परिवर्तित ईश्वर की तरफ बदलने के लिए, क्योंकि विदा शोक का भाव प्रकट करती, उस शोक को ईश्वर से जोड़ने के लिए बेटी की दूरी की जो भावता भरी रहती उस भाव से ईश्वर को जोड़ने के लिए चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या रात्रि काल में होगी। उनकी भजन संध्या के साथ 18 फरवरी का कार्यक्रम संपन्न होगा और 19 फरवरी को पूज्य पाद अनंत श्री विभूषत परम गौ भक्त मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज की
मुखारविंद से कथा विराम होगी और बागेश्वर धाम के बहुत ही लाडले बुंदेलखंड के खनज देव चौहान खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान। इस भाव के साथ पूरे महोत्सव को वो विराम करेंगे और आयोजन विराम इसलिए होगा कि अगले साल फिर होगा और 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी और अगली तैयारी में अगली बात बताई जाएगी। लेकिन नव कुंडी इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारत वर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे, तो हम आपको बता दें केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। यह संपूर्ण आयोजन में यहां उपस्थित भारत के चतुर्थ स्तंभ और सत्य को प्रकाशन की सामर्थ्यता रखने वाले नारद जी की भूमिका निभाने वाले आप सभी पत्रकार महोदय, आपकी टीम, आपके बॉस, आपकी मंडली, आपका फ्रेंड सर्कल और आपके एडिटर, वीडियो बनाने वाले, कैमरामैन, पीछे से और भी कुछ लोग होते जो फोन पर आपके साथ होते हैं, उन सबको हमारा सादर आमंत्रण है जो भावपूर्वक आप दास का आमंत्रण स्वीकार करें। तो आप सब भी इस आयोजन में पधारें। एक छोटा सा स्पर्श हम करेंगे, राजपीठ से भी, जगह जगह से राजपीठ के लोग भी बागेश्वर धाम पर आए हैं, आएंगे, सभी पधारेंगे और बागेश्वर धाम पर जो आए सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं जी, राजनेताओं में हमारे पूरे छतरपुर बुंदेलखंड के सभी विधायक महोदय आएंगे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी आएंगे और कल का हमने सुना है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं। केंद्रीय नेताओं में प्रहलाद पटेल जी और भी अनेक राजपीठ के लोग हैं, जिन जिन को आमंत्रण पहुंचा है हमें भरोसा है वो बागेश्वर धाम के भाव को लेकर के अवश्य, भाव को देखकर अवश्य आएंगे। कह नहीं सकते, अभी हमारे पास ऐसी जानकारी। जी, सामाजिक समरसता, सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती उस अवहेलना से बचने बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं, बागेश्वर धाम के सभी पागल जुड़ मिल करके यह कार्य कर रहे हैं इसमें, लेकिन सभी लोग सम्मिलित हैं, परंतु कोई भी सरकारी उस फंड की व्यवस्था से नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। महाराज जी, मैं एक दिन आपका उद्बोधन सुन रहा था दरबार में, आप कह रहे थे
कि जो हरी हरी नहीं बोलेंगे उन तमाम लोगों को भी हरी हरी बोलना पड़ेगा। आपको तो दिक्कत है हरी हरी से? मुझे नहीं दिक्कत है, लेकिन तो जो बोलना चाहिए, जो मैं तो हरी 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 बोलो, जो दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग हैं क्या उन्हें भी उनको हरी दिक्कत है? तो उनको हाजमा की गोली खाने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन एक बात बोले, पूर्व के जितने भी विषय हो चुके उन पर चर्चा मत करना, बहुत जवाब दिया हमने ठोक कर, और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर देंगे। लेकिन अभी सिर्फ यज्ञ यज्ञ यज्ञ। और आप ये भी पीछे हैं महोदय, हम तुमको बहुत बौच कर रहे हैं, तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी यज्ञ में पधारिए और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका, एकाध बेटी का कन्यादान भी लीजिए। विदेशी मेहमान भी इस यज्ञ में पधार रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, कई बार कह चुके हैं, ये छोटी बात, कभी नहीं। आपको लगता है कि राजपीठ, देखो एक सूत्र दे दे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान का, राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। अभी 121 है, पर कोई कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आ जाते हैं, तो बेटियों के लेकर के बागेश्वर धाम और हमारा समाज और सनातनीय हिंदू समाज बहुत ज्यादा भाव को सॉफ्टनेस है, तो किसी की अवहेलना ना हो, और अगर वो आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे। हैं जी, अगर अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हमारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हौच पौच हो जाएगा, तो पहले से उसकी एक व्यवस्था है, अचानक से हो पाना हमें तो नहीं लगता कि उचित होगा और हम संभाल पाएंगे। देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, हम किसी पर थोपेंगे नहीं। राजनीतिक विषय नहीं, आप यज्ञ में सम्मिलित हो, यज्ञ में जय बोलो। कोई राजनीतिक टिप्पणी या कमेंट हमारा कभी नहीं होता है जी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है, आप हमारी कल्पना समझ ही नहीं रहे। हमने कहा भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सौहार्दता होगी, एकता होगी, न जातियां होगी पर जातिवाद नहीं होगा। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं, हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। राजनीतिक कोई कमेंट्स नहीं, बागेश्वर धाम सभी पार्टियों का है और हमारी खुद की पार्टी है, आप वोट नहीं दे रहे हो। रिचारिया जी, स्वास्थ्य के विषय में एक तो आयुर्वेदिक औषधालय हमने 3 माह पहले खुलवाया है, बागेश्वर धाम पर खुला है, और पुनः आप सबका सहयोग रहा तो बुंदेलखंड के जितने पत्रकार महोदय, आप सब हमारी आत्मा हो, आप लोग भी आत्मा हो, तो आप सबको बता दें कि आप सब स्वयं गौरव से अपना सीना तान कर चलेंगे, बहुत जल्दी केवल दुआ की बात बागेश्वर धाम से नहीं, दुआ के साथ साथ दवा की बात भी की जाएगी। इसको लेकर यही है कि जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी को आमंत्रण भेजा है, पहुंच जाएंगे तो स्वागतम।
जी, अगर हमें स्वतंत्रता रही थोड़ी सी भी कार से हम निवृत्त भए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हम यहीं से संदेश दे देते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर कहेंगे कि यज्ञ तक अभी हम कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जिसमें हम फंसे रहें, हमें अपने कार्य में लगे रहने दीजिए। फिर कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और एक और सुन लीजिए सब, अभी कलश यात्रा है, सब कलश यात्रा में पहुंचे, दोनों हाथ उठाकर बोले बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। सभी पत्रकार सुन लें, एक मिनट इसको तेज करिए भैया, मां 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 मां। सभी पत्रकार जो नीचे भी हैं हमारी प्रार्थना सुन लें, हाथ जोड़कर, थोड़ा ऐसे हो जाना भैया, थोड़ा आई कांटेक्ट हो जाए हमारा, ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ, हम ऐसे हो जाए। हम सबको निवेदन कर लें, आप लोग बुरा मत मानना, हम पे समय कम है, सबको भोजन पाना है और अभी कलश यात्रा में आप सबको जाना है। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद, सबका मंगल, पर बिना भोजन किए नहीं जाना है। सभी पत्रकारों से कहां पर व्यवस्था है? निशु जी, जहां अन्नपूर्णा भंडारा है वहां हम अवस्थी जी को मिला देते हैं। कहां गए अवस्थी जी? कमल अवस्थी जी, हाँ जी, ये कमल अवस्थी जी हैं, आप इनके साथ अन्नपूर्णा पहुंचकर प्रसाद पालें और कलश यात्रा शुरू हो गई है, हम उसी की तैयारी में लगे हैं, तो सब लोग वहां पहुंच जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लहराया है जिनका।